दोस्तों पता है क्या हुआ, एक इंग्लिश के प्रोफेसर ने अपनी क्लास में बोल दिया अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। अब लड़कों ने इसे ऐसे पढ़ लिया अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, और लड़कियों ने इसे ऐसे पढ़ लिया अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, और दोनों आपस में भिड़ गए। वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था। इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन होती क्या है, इसके इस्तेमाल क्या होंगे, एडवांस इस्तेमाल क्या होंगे, कैसे स्कूल से लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आप इसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे एंड तक। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है। इसे रटने की जरा भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल होता है। एक बात बताइए, जब भी आपको कोई बात कहनी होती है तो आपके कहने के तरीके से पता चल जाता है कि आपके पीछे उसकी भावना क्या है, आपके मन में भाव क्या है, इमोशंस क्या है आपके। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको किसी से सवाल पूछना होता है तो आप इस तरह से बोलते हो कि पता चल जाता है तुम्हारा नाम क्या है। अब जैसे मैंने है बोला ना, तो इस तरह से बोला था कि पता चल गया कि सवाल पूछा है। ऐसे अगर मुझे किसी को बहुत खुश होकर दिखाना होगा तो मैं कहूंगा हुर्रे आज मजा आ गया। तो जैसे ही मैंने हुर्रे को बहुत तेज बोला, खुशी के साथ बोला, तो पता चल गया कि यहाँ खुशी थी। ऐसे ही बहुत सारे हमारी ऐसी भावनाएं होती हैं, हमारे बोलने का तरीका होता है, या जो हमारी टोन होती है ना, वो अप डाउन इस तरह से होती है कि हमें पता चल जाता है कि उसके पीछे की सेंटेंस के पीछे की भावना क्या है, हमें उस इमोशन का पता चल जाता है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम कहीं कुछ लिख रहे हैं, लिखने में क्या पता चल जाएगा कि आपकी भावना क्या है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फिर वही वाली दिक्कत हो जाएगी जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने रखी थी। सब अपने हिसाब से मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, इसके लिए आपको ना रिटन इंग्लिश जो होती है आपकी, जो लिखने की कला होती है, उसमें आपको कुछ ऐसे निशान दिए गए, कुछ ऐसे सिंबल्स दिए गए, जिससे आपको पता चल सके कि जब कोई भी सिंबल लगा हुआ है तो उसकी भावना क्या थी। इसी तरह से रीडिंग करने में भी उस सिंबल की कुछ आवाज दिखाई गई, आवाजें बताई गई कि जब भी यह सिंबल लगा होगा तो आपको इस तरह से इसको पढ़ना है। यह सारी बातें बताई गई पंक्चुएशन के जरिए, जिसका मतलब ही होता है कि आपके फीलिंग्स जो हैं, आपकी इमोशंस जो हैं, वो वहां पे कन्वे हो सके, पता चल सके। क्लियर हो गया पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, इमोशंस और फीलिंग्स को बताने वाले सिंबल्स हमारे पंक्चुएशन कहलाते हैं। वाओ कितनी प्यारी सी डेफिनेशन है। आइए मैं आपको जल्दी से इनके बारे में बता भी देता हूं। कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं रटना है, जो रूल है वो सब लॉजिक्स हैं। लॉजिक को आपको समझना है। आइए देखते हैं सबसे पहले सबसे कॉमन वाले। तो सबसे पहले ही है, मैंने क्या लिखा है, पीरियड या फिर फुल स्टॉप, जिसे आप फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। इस तरह की बिंदी लग जाती है किसी भी सेंटेंस के आखिर में, इसे हम पीरियड भी बोलते हैं या फिर फुल स्टॉप कह देते हैं। जब भी ये लगा होगा तो बहुत आसानी से आप समझ लेंगे कि यहां बात खत्म हो गई है। अब इसकी आवाज कैसे निकलेगी, इंपॉर्टेंट बात वो सुनो। कभी भी सेंटेंस के अंदर पीरियड लगा हो या ये फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं, ये लगा होता है ना सेंटेंस में लिखे हुए, तो आपको वहां रुकना होता है, ठहरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, माय नेम इज रवि, अब मैं रुक जाऊंगा, अब जो मेरा अगला सेंटेंस होगा उसको मैं थोड़ा सा ठहर के बोलूंगा, ये इसका तरीका होता है, ठीक है। अब से याद रखोगे, बिल्कुल। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये भी बड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है भाई, क्वेश्चन मार्क ये देखते ही ना दिमाग में सवाल आ जाता है। यानी जब भी हमें सवाल पूछना होता है, क्या जब भी हमें सवाल पूछना होता है किसी से, तो लिखा हुआ जब भी हम यहां देखेंगे कोई सवाल, उसके आगे हम लगा देंगे इस तरह का एक निशान, इसे बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसका मतलब कुछ और नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछना होता है। अच्छा, लेकिन इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। कैसे, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट इज योर नेम। अब इसको पढ़ूं कैसे, जैसे इसके आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा या क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो इसकी जो टोन होगी वो ऐसी होगी, व्हाट इज योर नेम, मे आई कम इन सर। देख रहे हो, मैं पूरा नहीं हो पा रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैं संतुष्ट हो चुका हूं। कहीं ना कहीं मेरे बोलने के तरीके से पता चल रहा है कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, है ना। तो इस तरह से आपको इसको प्रोनाउंस करना है। कभी भी आप यहां मार्क ऑफ इंटरोगेशन देखो ना, तो रीडिंग में अपनी आदत बनाओ कि इसे इस तरह से ही बोलना है जैसे कि सवाल पूछा जा रहा हो, इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी। तो मेरे वो साथी जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बच्चों मेरे प्यारे साथियों सुन लो ध्यान से, इसको पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, पढ़ा भी जाता है। किस तरह से पढ़ा जाता है मैंने आपको बता दिया, आपको भी ऐसे ही रीडिंग करते हुए पढ़ना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है हमारा एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मय, हैरानी। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, हैरानी। और हैरानी दो तरह की होती है, कौन कौन सी, एक होती है हमारी हैरानी, हम खुशी में बहुत हैरान होते हैं, क्या तुमने टॉप कर लिया, और एक होती है हम बहुत उदास होते हैं, क्या वो मर गया है। तो इस तरह की हमारी हैरानियां होती हैं, ठीक है, होता है कि नहीं। देखो अब क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक डंडा खींचना है और उसके नीचे ना एक पॉइंट लगा देना है, उल्टा आई कह सकते हो आप इसे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये कहां कहां लगेगा,
देख लो दिखा हुआ भी है, ये तो सिर्फ कहने की बात है, समझा तो मैंने आपको पहले दिया। इट शोज सडन आउटक्राई और इम्फेसिस, तो ये हमने देखा हमारा एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि पीरियड क्या होता है, उसको कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, आपको अपनी रीडिंग में कैसे लेके आना है, इसी तरह से क्वेश्चन मार्क को कैसे बोल के दिखाना है। रीडिंग अच्छी करवा रहा हूं मैं आपकी, ध्यान दे लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेशन पॉइंट, इसको कैसे आपको साउंड करना, कैसे आपकी टोन होगी इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉमा, कॉमा को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है, फ्री में पढ़ा रहा हूं, देख लेना। ठीक है, इतना आपको पेड क्लास में नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, तो ध्यान दे लो। यहां पे कॉमा का और पीरियड का आपस में बहुत बढ़िया कनेक्शन होता है। कनेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीरियड होता है या फुल स्टॉप होता है, जहां ये लग जाता है तो हमें पॉज लेना होता है, पॉज का मतलब हमें रुकना होता है, ठहरना होता है, ये बताया मैंने आपको। ठीक है, कॉमा में क्या होता है, कॉमा में भी आपको ठहरना होता है, लेकिन कितनी देर तक ठहरना होता है, इतनी देर तक ठहरना होता है जितना पीरियड का आधा हो। मान लीजिए आप पीरियड पे या फुल स्टॉप पे 2 सेकंड रुके थे, तो जब कॉमा आएगा ना तो आपको 1 सेकंड ठहरना है, ये मैंने एग्जांपल की तरह आपको बताया। ठीक है, अभी देखते हैं कॉमा का इस्तेमाल क्या है। ओके, चलिए देख लेते हैं कॉमा का इस्तेमाल क्या होता है। सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स, किसी भी आइडिया एलिमेंट यानी कोई चीज, उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, पीरियड का नहीं करते। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब पीरियड या फुल स्टॉप लगा दें तब तो यह है कि बात खत्म हो गई मेरी, है ना, कि यहां मेरी बात खत्म हो गई, इतने कहना चाहता था मैं। लेकिन जब मुझे कहना हो कि नहीं रुको रुको रुको, मुझे कुछ और भी कहना है, लेकिन जो मुझे अब कहना है वो इससे अलग है, कोई और बात है, तब मैं क्या करूंगा, रुकूंगा तो, वो दूसरी बात बताऊंगा तो, लेकिन मैं कॉमा लगा दूंगा। यही तो कहना चाह रहा है, बिल्कुल यही कहना चाह रहा है। और इसकी टेक्निकलिटीज को देखते हैं कि क्लॉजेस की दुनिया में क्या है इसका रोल। अब यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड सैल्यूटेशन, ये तो बच्चों वाली बातें हैं कि भाई ये नंबर्स और डेट्स और सैल्यूटेशन समझते हो, डियर सर मैडम के आगे कॉमा लगा होता है और आपकी डेट्स लिखते वक्त भी कॉमा लगा होता है, ये बच्चों वाली बात खत्म हो गई। अब बड़ी वाली बातें करते हैं, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट। यूज कॉमा बिफोर एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट लिंक्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, मैं तो घबरा गया नाम सुनते, क्या घबराने की जरूरत है, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं क्लॉजेस, वीडियो देख लेना, फिलहाल के लिए समझ लो जिसने अभी ये वीडियो नहीं देखी है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज कुछ नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब, क्या, कोई भी एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लॉज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्लॉज बनाते हैं। क्लॉज दो तरह के हो सकते हैं, वो क्या, एक होता है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होते हैं डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में ही पूरा कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं उनको कह देते हैं हम इंडिपेंडेंट, और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते उन्हें कह देते हैं हम डिपेंडेंट। ठीक है, आइए अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ऐसे हमारे क्लॉजेस हो कोई दो इंडिपेंडेंट, जो अपने आप में ही पूरे कंप्लीट मीनिंग दे रहे हो, उनके बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, वो क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट हो गया, फॉर हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया, ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो जोड़ देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं किसी दो क्लॉज को, उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि दो सेंटेंस है, इस तरह से समझ लो शॉर्ट में, दो सेंटेंस है, उनके बीच में कोई कंजंक्शन आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो उससे पहले आप कॉमा लगा देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया शॉर्ट में, बिल्कुल, दो सेंटेंस है, बीच में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उससे पहले कॉमा लग जाएगा मेरा, इतनी सी बात है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे देख लो, वी वेंट टू द मूवी, हम कहां गए, मूवी गए, क्या ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हाँ, देखो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, अगर इतना ही पढ़ू मैं इसको, अगर मैं आगे तक ना भी पढ़ू तो इसका मतलब निकल रहा है वी वेंट टू द मूवी, हम मूवी गए, बात खत्म। अब दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, We went to the zoo. अभी इसको देन हटा दो, मान लो we went to the zoo है ये. We went to the zoo, हम zoo गए. दोनों अपने आप में complete है कि नहीं, sentence है. लेकिन हमने क्या करा, हमने इसमें end को लगा दिया, end को घुसा दिया, coordinating conjunction डाल दिया. तो ये कह रहा कि उससे पहले ये comma लगा देना. इतनी सी बात है. Clear हो गया? बिल्कुल clear हो गया. दूसरी बात क्या कह रहा है? अभी रुको रुको, देखो दूसरी बात क्या है? Use comma after a dependent clause that starts a sentence. अब डिपेंडेंट क्लॉज की बात आ रही है, इंडिपेंडेंट की बात नहीं, कि अगर आपने कोई शुरुआत के में जो सेंटेंस की शुरू हो रही है वो किससे हो रही है, किसी डिपेंडेंट क्लॉज से हो रही है, यानी वो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे रहा। देखते हैं, व्हेन आई वेंट रनिंग, ये हमारा क्या है, पूरा, ये पूरा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट मतलब ये निर्भर कर रहा है किसी और पे, इसका मीनिंग अपने आप में कुछ नहीं निकलेगा जब तक इसके साथ कोई और क्लॉज ना जुड़ जाए, कोई और सेंटेंस ना जुड़ जाए। क्लियर हो गया? देखते हैं, व्हेन आई वेंट रनिंग, जब मैं रनिंग पे गया, दौड़ने गया, फिर क्या हुआ, आई सॉ अ स्नेक, मैंने क्या देखा, एक स्नेक देखा, तो इससे पहले भी आप क्या लगाना, कॉमा लगाना। तो ये दो रूल हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो चुके हैं, आप देख लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो,
दोस्तों एक मन की बात बताऊं, मन की बात यह है कि दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, आई फील जिसके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फीलिंग का काम है, आपको महसूस करना है। इसलिए मैं क्या चाहता हूं, मैं पहले आपको ये सारे करा देता हूं जो भी हमारे मेन पंक्चुएशन है, उसके बाद आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। तो इसी वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए अब देखते हैं हमारे सेमी कॉलन एंड कॉलन को। सो वेल, क्या है हमारे सेमी कॉलन एंड कॉलन में? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सेमी कॉलन में क्या है, ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, नीचे कॉमा है। कॉलन में क्या है, ऊपर नीचे वर्टिकली दो डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, देखते हैं सेमी कॉलन का इस्तेमाल कब होता है। कब होता है जी, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कभी भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, वही जो हमने कॉमा में पढ़े थे, लेकिन कॉमा में भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही तो कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें एक फर्क था, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आ रहा था, लेकिन इसमें कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आएगा। कैसे देख लेते हैं ना, सम स्टूडेंट्स राइट विद अ वर्ड प्रोसेसर, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। फिर क्या लिखा है, अदर्स राइट विद अ पेन और पेंसिल, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस था। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मैंने सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर दिया। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉलन का इस्तेमाल क्या होता है, कोटेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल या सीरीज को बताने के लिए। जैसे आपने देखा भी होगा, होता है कि दीज आर फॉलोइंग, ऐसे करके फिर नंबर्स या जो भी बातें होती है, आइटम्स होती है, वो हम मेंशन कर देते हैं। ऐसे किताबों में भी लिखा होता है ना, ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो बताने के लिए, वो सीरीज बताने के लिए, वो नंबर बताने के लिए, आइटम बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलन का इस्तेमाल कर लिया हमने, ये रहा, ठीक है। कैसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड साइंस। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक कॉमा लगाया है, ये क्यों लगा हुआ है, इसको रेड किया हुआ है। याद रखिए, कॉमा का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, सेपरेट करने के लिए करते हैं ना चीजों को, लेकिन एक ऑक्सफर्ड का कॉमा होता है। ऑक्सफर्ड का कॉमा कौन सा होता है जी, एक एक बात, एक लड़ाई चल रही है, अगर मैं कहूँ तो पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही है। क्या है वो लड़ाई, लड़ाई इस बात पे है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जब हम इस तरह से कोई सीरीज में आइटम्स लिख रहे होते हैं और उसके बाद एंड लगा के लास्ट वाला टर्म आता है, क्या कहा मैंने, कि कोई सीरीज लिख रहे होते हैं और उसमें लास्ट में एंड लगा के दूसरा लास्ट वाला आइटम आ रहा होता है, तो उससे पहले जो कॉमा होता है ना, ये नहीं आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं आना चाहिए। अब दोनों में आपस में क्या लग रही है, लड़ाई लग रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता था, नॉलेज के लिए आपको भी पता रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं, ठीक है। और क्या इस्तेमाल होता है जी हमारा इसका, कॉलन का, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बिल्कुल इसी की तरह, सेमी कॉलन की तरह, कभी कभी कॉलन का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसको कनेक्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ज्यादातर सेमी कॉलन का होगा, ठीक है। इसमें डेप्थ में कभी बात होगी, मौका लगेगा जरूर समझाऊंगा। अभी देख लेते हैं हमारे डैश और हाइफन का इस्तेमाल क्या होता है। डैश देखो थोड़ा साइज में बड़ा होता है और हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। डैश क्या होता है, डैश का इस्तेमाल क्या होता है, ज्यादातर डैश का इस्तेमाल आपका इनफॉर्मल मैनर में होता है, फॉर्मल मैनर में नहीं होता है। इस्तेमाल कैसे होता है, मेनली तो रेंज दिखाने के लिए होता है, जैसे 1880 से 1885, 2010 से 2016, इस तरह की रेंज दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं। डैश भी दो तरीके का होता है, एम डैश होता है और एन डैश होता है। एम और एन का यहाँ पे क्या यूज है कि जितना बड़ा एम का साइज होता है ना, उतना बड़ा डैश, जितना बड़ा एन का साइज होता है नापने में, इतना बड़ा डैश, ठीक है, समझ गए। इस हिसाब से M जो डैश होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन वो काफी कम इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसकी डेप्थ में जाएंगे नहीं। हाइफन क्या होता है, हाइफन का क्या इस्तेमाल है, जॉइन टू और मोर वर्ड्स इनटू अ कंपाउंड टर्म। कोई दो वर्ड को आपस में ऐसे मिला दो कि जिससे कोई और टर्म बन जाता है या कोई बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, हाइफन लगा के हम उसको बता देते हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, इको फ्रेंडली, इको एक अलग वर्ड था, फ्रेंडली अलग वर्ड था, जब दोनों आपस में मिल गए तो पूरा कॉन्सेप्ट बन गया, है ना। इसी तरह से हमारा हो गया बुक लविंग, बुक को प्यार करने वाला, बुक लविंग हो गया। ऐसे ही वेल नोन, इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल है। एक और है ना, आपका सन इन लॉ होता है, उसमें भी आप ये लगाते हो। ऐसे ही डॉटर इन लॉ में भी आप इसी तरह का हाइफन लगा के उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या है, कोटेशन मार्क्स। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है इसके साथ जुड़ा हुआ, देखते हैं कोटेशन मार्क्स होते कैसे। इस तरह से ऊपर दो लगे हुए होते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी, ये कॉमा बने हुए, ऊपर लगे होते, सर पर चढ़े हुए होते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने जो बात जैसी कही वैसे ही जब हम कोई बात लिख देते हैं तो उसको हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं क्या, कोटेशन मार्क। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है इसका, दूसरा इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई कोट नहीं होती, कोई कहावत होती है उसको हम बताते हैं, वो भी किसी की कही गई बात ही तो होती है एक तरह से देखोगे, ठीक है। किसी की कही बात ही तो कोट बनती है, तो उस पर भी हम क्या चढ़ा देते हैं, ऊपर सिंह चढ़ा देते हैं इनके दो। अब इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब भी कोटेशन मार्क लगाओगे तो उससे पहले कोई भी पंक्चुएशन आ जाए। पंक्चुएशन क्या, कोई और पंक्चुएशन, यानी आपका कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए, कोई पीरियड आ जाए, पीरियड समझते हैं ना क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है, कोई भी आ जाए, कॉमा आ जाए, वो सब क्या रहेगा, वो सब उसके अंदर रहेगा, और जो हमारा ये है ना, ये कोटेशन मार्क, वो उसके बाहर रहेगी, मतलब ऐसे हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क भी होगा ना, वो भी अंदर ही जाएगा स्टेटमेंट के, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मान लीजिए स्टडी मतलब डियर सर, ये कोटेशन है कि नहीं, बिल्कुल एक कोट है, ठीक है। अब ये जो हमारा
क्वोटेशन मार्क था, ये बिल्कुल बाहर था, था बिल्कुल। मान लीजिए यहां पर क्या होता, क्वेश्चन मार्क होता, क्वेश्चन मार्क होता तो ये भी इसी के अंदर आ जाता। इतना समझ में आ गया? आ गया। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, अब वो सुनना, अब है इंपॉर्टेंट बात। अगर इससे पहले भी कोई बात की गई होती, इससे पहले भी कोई बात की गई होती और वो जो सवाल पूछा गया होता, यहाँ पे कोई जो सवाल पूछा गया होता वो पूरे सेंटेंस को ही पूछा गया होता, यानी जो कोटेशन मार्क्स, ये जो हमारी कोटेशन थी, ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर चीजें थी, कोटेशन के अंदर चीजें थी, वो सवाल सिर्फ इतना ही ना होता, पूरा क्वेश्चन, पूरा ही सेंटेंस एक क्वेश्चन होता, तब ये हमारा बाहर होता। फिर समझ में आया? अगर सवाल कोटेशन का हो तो वही कोटेशन तक ही रखेंगे ना उसको, लेकिन अगर सवाल पूरे ही जो सेंटेंस का था तब हम उसे बाहर रखेंगे। इसका मतलब, बाहर का मतलब क्या हुआ कि सवाल ये पूरा ही सेंटेंस है, जो भी इसके आगे भी था वो भी हमारा पूरा ही सवाल था। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, उम्मीद करता हूं। अब देखते हैं और इसमें क्या है हमारा, एपिस्ट्रफी। एपिस्ट्रफी का मतलब क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं था, ये तो मैं यहीं पर दिखा दूंगा तुम्हें चलते फिरते में। देखो, आई एम की जगह क्या लिख दिया, आई एम। यू आर की जगह क्या हो जाता है, योर। इस तरह से बोल देते हो ना, यानी क्या करने के लिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जब हमें कोई जो वर्ड होता है उसको कम बंद कम में लिखना होता है, तब हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह का एक साइन ऊपर बना देते हैं। और दूसरा का इस्तेमाल है पॉजिटिव केस के अंदर। पॉजिटिव केस के अंदर कैसे, अगर मैं बोलूं इट और इट्स, क्या बोल दिया मैंने, मान लो इट, और इसके साथ मैंने यू ऊपर लगा के ऐसे लिख दिया इट्स, इसका मतलब क्या हो गया, उसका, ठीक है ना। ऐसे हम कई बार देखते हैं मैकडीज, क्या होता है मैकडीज, यानी मैकडी का, या जॉन्स, जॉन्स का, अनिल्स, अनिल का, ठीक है। इस तरह से हम क्या लगाते हैं, एपिस्ट्रफी लगा देते हैं और एस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव केस के उसका, ये सेंस आता है। इसमें मिस्टेक मत करना, हर जगह आप एस लगा के ऐसे मत कर देना, जहां पे एप्लीकेबल हो वहीं लगाना, कॉमन मिस्टेक इसमें यही रहती है। अब देखते हैं बचे हुए कौन से हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। गाइज, अगर आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा है तो आपको ये वाले पंक्चुएशन मार्क बहुत अच्छे से आते होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ये वाला अलग तरह का ब्रैकेट होता है, ब्रेसेस ये अलग तरह का ब्रैकेट होता है, इलिप्सिस ये भी मैथ्स में हमने खूब देखा है, सीरीज दिखाते हुए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनमें इंग्लिश का तो काफी इस्तेमाल मैं कहूं कि नहीं होता है, लेकिन मैथ्स में बहुत होता है, तो ये आपको सब आते ही है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में पहला हमारा, यस ही सेड आई विल बी होम बाय 10, डरना नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी देखो, फीलिंग देखो, इसकी इमोशन क्या है ये। हाँ, उसने कहा, यानी उसकी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, जो उसने कहा वो लिख दिया। और जब भी हमें एज इट इज कुछ लिखना होता है तो हम कोटेशन मार्क ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद ही सेड, यहां पे सेपरेट लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि अब आगे की बात करनी है मुझे, यहां पर मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आई विल बी होम बाय 10, किसने कहा, उसने कहा। उसकी बात जब मैं कोट कर रहा हूं बिल्कुल, तो दोबारा से क्या लगाऊंगा, कोटेशन मार्क लगा दूंगा, लास्ट में पीरियड लगाऊंगा। कोई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। आई विल बी होम, मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन लिखने में यहां पर मुझे क्या लगाना था, एपिस्ट्रफ लगाना था, इस तरह से, यानी अब ये बनेगा आई विल बी होम इस तरह से, या आई शैल बी होम, अब बनेगा ये, इसलिए एपिस्ट्रफ का भी यहां पे इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट है, ही डील्स इन थ्री कार्स एक्स वाई जेड, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? हाँ, क्योंकि हमने सीरीज बताई है, कार की सीरीज बताई है, इसलिए मैंने यहां क्या लगाया, कॉलन लगा दिया, एक्स वाई जेड। इसी तरह से नेक्स्ट है, व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट हर स्पेलिंग वाज पुअर, लेटर रिप्लाइड, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर पुअर स्पेलर्स। बहुत बड़ा है ना, घबराओ मत, फीलिंग को देखो, इमोशंस क्या है इनके। व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट, जब टीचर ने कमेंट किया क्या के हर स्पेलिंग वाज पुअर, यहां तक तो एक पूरी बात थी, इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया, ठहराव लगाया, सेपरेट किया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहां क्या किया, सेपरेट केस को कॉमा लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि अभी बात बची हुई है। लता रिप्लाइड, लता ने रिप्लाई किया, फिर थोड़ा सा रुका, आगे देखो, और ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर पुअर स्पेलर्स, ये तो उसी ने कहा था, इसलिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपके एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते, ऐसे ही मैंने आपको यहां पे एक्सरसाइज कराई है, बाकी के आप करोगे बिल्कुल, आप अटेम्प्ट करोगे, कमेंट करके मुझे आंसर बताना। अगर आपको चेक करवाना है तो इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ के नाम से आईडी, आप वहां जाकर पर्सनली मुझसे चेक करा सकते हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे अकाउंट डियर सर ऑफिशियल आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर।